एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स फॉर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ डे 4 30 डे मनी सेविंग चैलेंज। गाइज, मैंने इससे पहले 3 मनी सेविंग चैलेंज अपलोड कर दिया है और ये 30 डे का चैलेंज, ये 30 डे 30 मनी सेविंग चैलेंज है। सो अगर आप लोग भी इस 30 डे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। सो हे गाइज, आज की इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से मनी को सेव करने वाले हैं और हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है अगर हम कोशिश करें कि हम थोड़ा इधर उधर से बचा करके, कटौती करके या फिर अतिरिक्त खर्चे पे रोक लगा करके, एक्स्ट्रा एक्सपेंस रोक करके सेविंग कर लें, तो ये नहीं हो पाता है। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसे ऑफर आ जाते हैं, ऐसे सेल आ जाते हैं जिससे कि हमारा जो दिमाग है, जो माइंड है, वो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाता है। हमें ऐसा लगता है यार ऑफ़र बहुत तगड़ा है, वैसा ऑफ़र नहीं आएगा, इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम ले लें, चाहे हमें उस प्रोडक्ट की नीडेड हो या ना हो। ये सारे जो फार्मूला है ये हमारे डेली एक्सपेंस पे लागू होते हैं। हमारा चीज़ें हमारे नीडेड की हो या फिर हमारे शौक के लिए हो, हम ज़रूर उसे बाई कर लेते हैं। सो गाइस, जब हम अपने आप को कोई चैलेंज देते हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कोशिश करता है जल्द ही जल्द उस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में डे 4 है तो आज हम सेव करेंगे 200 रुपीज़ से। तो गाइज, हम इसे करने वाले हैं वीक के अकॉर्डिंग, की मतलब इसे 500 रुपीज़ हमें एक वीक में करना ही करना है, चाहे वो 120 हो, 200 हो, 300 हो, कितने भी, इसी भी तरीके से हमें 7 दिन के अंदर अंदर 500 रुपये सेव करना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो गाइज, कुछ इस तरीके से नोट डाउन कर लिया है, डे 4 30 मनी सेविंग चैलेंज है, मतलब 30 डे का डे 4 है। कुछ इस तरीके से मैंने पर पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। कुछ तो चेंजेज हैं 2020 के 10 के और कुछ हैं इसमें से 100 एंड 200 500 के। सो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, पिक्सल सीट भी बना सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर मैंने हेल्प ली है डायरी की और पेन की। तो चलिए अमाउंट को एक बार हम नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहला अमाउंट है हमारा 200, 180, 120, 100, 120, 180, 80, 20, 200, 120, 160, 20, 40, 60, 150, 150, 100, 125, 125 एंड 125, 125, 150, 150, 200। सो कुछ इस तरीके से 80, 80, 80, 100, 200, 200, 100, 250, 250, 500, 200, 180, 120, 100, 180, 120, 100, 125, 175, 160, 140, 250, 250. तो चलिए काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 24, 36, 48, मतलब हमारे पास जो यहाँ पर नंबर है वो 48 तक है। आप इसे बढ़ा करके 52 वीक के लिए कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए कर सकते हैं। और इस तरीके से इस साइड हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोट डाउन किया है, 1 वीक इक्वल टू 500, 2 वीक इक्वल टू 500, 3 वीक इक्वल टू 500, 4 वीक 500, उसके साथ यहाँ पर देख सकते हो 6 वीक 500, 7, 8, कुछ इस तरीके से। चलिए हम इसको सबसे पहले फिल करते हैं। जैसे कि हमारे 200 रुपीज़ है और हमें फिल करना है एक वीक में 500 रुपीज़, तो मैंने पहला बॉक्स 200 का कर दिया, साथ ही मैंने 180 कर दिया, तो 200, 300, 380, 400, 480 एंड 500, मतलब हमारा 3 बॉक्स मिला करके 500 रुपीज़ ये हो गया। तो यहाँ पर हम 500 रुपीज़ की एक नोट ऐड कर देने वाले हैं। सो कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पर ये कर देंगे क्लिक इधर के, हमारा एक वीक का 500 रुपये बच गया है। इससे क्या होता है, हमें बार बार काउंटिंग नहीं करनी पड़ती, हमें याद रहता है कि हमारे पास 500 रुपये जमा है। ठीक है, अब आगे हम फिर से लेंगे तो हमारा 100, 120, 220 एंड 300, 320, साथ ही 80, 400 हो गया। और ये 2 बॉक्स हम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 500 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पर हमारा यहाँ तक 500 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स फिल करने के बाद हमारे पास हो गया है यहाँ पर 500 रुपीज़। सो चलिए इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम दूसरा वाला बीक ऐसे ऐड कर देंगे, साथ ही 500 काउंट कर देंगे, 100, 200, 300, 400 एंड 500 रुपीज़ मेरे पास सेव हो चुके हैं। दूसरा वाला बॉक्स भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर लेने वाले हैं नेक्स्ट वीक,
तो हो गया हमारा 200 एंड 320, 320 उसके बाद हो गया हमारा 480, ठीक है। 480 के बाद हम 20 लेंगे यहाँ पर, 500, 200, 300, 400 एंड ये पूरा 100 हो गया 500 रुपीज़। तो हमारा ये तीसरा वाला वीक भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, कुछ लोगों का डाउट था कि ये नंबर कैसे हैं, थोड़ा अजीब से हुए ना स्टार्टिंग वीडियो में, आपको लगा होगा कि 200, 180, 120। तो काउंट करके ही हमें इसको कुछ इस तरीके से नोट डाउन करना है कि जो कि 500 हो। देखो, आप 52 वीक के लिए इसे बना सकते हो, एक वीक का 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक बॉक्स आप ऐसा कर सकते हो। और हमें यहाँ पर एक वीक करना है 500 रुपीज़। जब आपके पास 500 हो तब आप फिल कर दो यार, ज़रूरी नहीं कि एक महीने में आप 25 रुपये जमा ही जमा करो, या फिर आपके पास नहीं है तब भी आप अकाउंट से निकाल के कर रहे हो, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे छोटा अमाउंट इसमें से लीजिए जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े और आपको मज़ा आए। जैसे कि चलिए हम लेते हैं 4 वीक, 40, 60, 100 एंड 200, 250, 300, 100, 100, 300 एंड 400, साथ ही 500। देखिए आप, मैंने इसको भी कुछ तरीके से काउंट करके रखा है 5 डे तक का, कि इसमें भी 500 होता है। मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया 5 वाला, उसके बाद हम काउंट करेंगे इसमें 100, 200, 300, 400 एंड 500। सो कुछ इस तरीके से हमने 500 इसमें ऐड कर दिया, हमारा 4 वीक कंप्लीट हो गया 1 मंथ का। हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है 2000 रुपीज़। ओके, अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं 125, साथ ही हो गया 250, 375, साथ ही 475 एंड 5 जब ये ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा 500, यानी कि 25 25 ये हो गया 100 और 4 ये 500 रुपीज़ हमारा 4 वीक में हो गया था। हम 5 वाले को इसको कलेक्ट कर देंगे, मतलब 4 नंबर मिला करके हमारा यहाँ पर 500 होता है, तो हम इसको भी टिक कर देंगे। आप कुछ इस तरीके से भी इसका बॉक्स आप बना सकते हैं, ठीक है, मतलब इनवल्व, जैसे जैसे आपको क्रिएटिविटी करनी आती हो, जैसे आप कर सकते हो, जैसे आपके पास टाइम हो। चलिए 500 हम और काउंट करके रखते हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पर 5 वीक तक हो चुका है 2500 रुपीज़, और यहाँ तक हमने आधे से ज़्यादा फिल कर लिया है। सो आगे भी आप ऐसे ले सकते हो, यहाँ पर 300 एंड 500 हो गया, साथ ही 80 80 को कर सकते हो, 100 ऐसे करके आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से गाइज आप इन सारे पैसों को सेव कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है यार। और हाँ, आपसे मैं पिछले से पिछले वीडियो में बोली थी कि हमारा 1 ईयर का 1 लाख टारगेट था 2023 का। सो गाइज, वो कंप्लीट हो चुका है। मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में इस मंथ के लास्ट तक आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि 1 लाख रुपीज़ किस किस चैलेंज से मैंने पूरा किया हुआ है और उन पैसों को कहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या फिर कर दी हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, रख सकते हो और आराम से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। कोई भी आप मेन टारगेट बना लो, उसको पूरा करने के लिए आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके ऐड करो इनमें पैसे, और डायरेक्टली जैसे आपके पैसे पूरे हो जाते हैं या फिर आपका मेन ये जो मनी सेविंग चैलेंज पूरा हो जाता है, तब आप उन पैसों की FD करा दो या फिर अपना टारगेट जो है, आपका जो ड्रीम है उसको आप पूरा कर लीजिए गाइज। और बहुत सारे सेविंग चैलेंज मैं लाने वाली हूँ, अभी तो डे 4 है ये, तो अभी आपके पास बचते हैं 26 मनी सेविंग चैलेंज। सो आप लोग इसका हिस्सा ज़रूर बनिए और मेरे साथ आप लोग थोड़ी सी सेविंग ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वाले चैलेंज में आपको मेन टारगेट है वो 500 रुपये का ही रखना है, चाहे आप कोई सा भी बॉक्स ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सिर्फ आपको बचाना कितना है 500 रुपये, यानी 500 रुपीज़। सो आप बचाए गए पैसों की एक FD ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो सेफ हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो FD बाद में आपके बड़े भाई का काम करेगी, आपकी हेल्प करेगी जब आपके साथ कोई भी अनप्लान एक्सीडेंट हो गया, फिर आपको बहुत नीडेड होगी। तो सो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर न्यू है तो आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ जो कि होगा डे 5 मनी सेविंग चैलेंज। होपफुली आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बाय बाय।